सत श्री अकाल, मेरा नाम जैसमिन कौर है। मैं सरकारी हाई स्कूल गिद्दड़ जिला बठिंडा की सातवीं जमात की विद्यार्थन हाँ। मैं हूँ तुहाडे सामने 75वें आज़ादी दिवस संबंधी कुछ विचार पेश करन जा रही हाँ। हर मनुख स्वतंत्र जीवन जीण की इच्छा रखता है, गुलामी कोड़ है। मनुख अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद ता ही माण सकता है जेकर वह स्वतंत्र देश का वासी होवे। किसी भी गुलाम देश का नागरिक उस पिंजरे विच बंद पंछी वांग है जो खंभ का फड़फड़ा सकता है पर आसमान विच उच्चियां उड़ारियां नहीं मार सकता। साडे देश की आज़ादी एक वो कीमती तोहफा है जिसका कोई मुल नहीं लगा सकता। इसलिए ही 15 अगस्त का दिन भारतीयों वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त वाले दिन भारत अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी कट्टन तो बाद आज़ाद होया सी। इस दिन सानू स्वराज मिलिया अते लोकां ने आज़ाद भारत विच सुख दा सा लिया सी। इस आज़ादी नू प्राप्त करने लई बहुत सारे देशभगतां ने जेलां कट्टियां, तसीहे चले, फांसियां ते चढ़े, आखिर शहीदां दा खून रंग लाया अते ओह पवित्र दिन भी आ गया। जदों गुलामी दी रात गुजर गई अते आज़ादी दा सूरज चढ़ आया, उन्हां दीआं कुरबानियां सदका भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया। 15 अगस्त वाले दिन राजधानी दिल्ली विच बड़ी रौनक हुंदी है। लोग लाल किले विखे अद्धी अद्धी रात तो ही जुड़ के बैठ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराने की रस्म अदा करते हैं। वो अपने देशवासियों के नाम एक पैगाम जारी करते हैं। सारे साल दौरान देश की तरक्की प्रति कीतियां कोशिशों का वेरवा लोगों सामने रखते हैं। इसका सीधा प्रसारण टीवी राही दिखाया जाता है। जिहड़े लोग दिल्ली नहीं जा सकते टीवी राही इसका आनंद माणते हैं। प्रधानमंत्री जी दे तिरंगा लहराने की रस्म तो बाद राष्ट्रीय गीत हुंदा है। स्कूलों अते कालजां दे बच्चे वख-वख नाच अते झाकियां पेश करते हैं। 3 सेनावां दे मुखी तिरंगे नूं सलामी दिंदे हन। राजधानी दिल्ली तो अलावा ये दिन भारत के सारे प्रांतों विच भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तर कालजां स्कूलों आदि विच छुट्टी हुंदी है ताकि लोग इन्हां प्रोग्रामां दा आनंद माण सकन। धन्यवाद।